गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। मेरे को कल रात को नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी, तो मैं सोया ही नहीं ढंग से। तो हुआ क्या, मैं नींद ही सो ही रहा था 10-11 बजे तक। आधी नींद में था, ऑफिस की मीटिंग अटेंड करी, फिर आधी आंखें बंद करी वगैरह वगैरह। फिर वो फेडेक्स वाला आया और वो पार्सल लेके गया, तो अपना पूरा घर तो ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब थोड़ा बहुत वो छोटू मोटू चीज़ें आना बाकी हैं, वो सब हो जाएंगी। गाइस तो निकल चुके हैं अभी, वो ब्रोकर के यहाँ जा रहा हूँ मिड टाउन में, उससे रिफंड चेक उठाना है। और एक चोट हो गई, मेरा जो कंपनी की सैलरी थी वो भी चेक से आ रही है, तो वो पता नहीं अब जर्सी के एड्रेस पे आएगी, क्योंकि एड्रेस अपडेट नहीं हुआ था। देखते हैं क्या, समझते हैं क्या होता है। तो अभी तो चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ से क्या करना है। गाइस ये बिल्डिंग एम्पायर स्टेट है। यस, पता नहीं ऐसे कितनी दिख रही होगी, बट हाँ गाइस आ गए हैं इसकी बिल्डिंग में। तो अभी तो घर जा रहा हूँ मैं। घर जाने के बाद में, घर जाने के रास्ते में इक्विनॉक्स में जाके वो मेंबरशिप का बात कर लेता हूँ, जिम मेंबरशिप चालू कर लेते हैं और पता कर लेते हैं, थोड़ा बहुत चेक ले लिया उससे। अभी थोड़ा पैसे की दिक्कत हो गई है, क्योंकि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट और रेंट में सब पैसे चले गए, ज़्यादा बचाए नहीं थे मैंने। गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, भाई को थोड़ा पैसा वैसा कमाने का मौका मिल जाएगा, पहले ही गरीबी रहती है हमेशा। ये आ गए अपन पेन स्टेशन, अब यहाँ से ट्रेन लेके घर चलते हैं, और बीच में है ना वो जिम का पता कर लेते हैं क्या सीन है, क्योंकि थोड़ा अब घर पे खाली खाली बैठ के बहुत बुरा, और मतलब थोड़ा बीटी होने लग जाती है फालतू बैठते तो। आदमी ये पेन स्टेशन की एनजे ट्रांजिट की जगह है, मतलब अपने को तो सबवे जाना है सीधा, बट यहाँ पे सारी न्यू जर्सी की जितनी भी ट्रांजिट होती हैं, छोटे छोटे जैसे सिटीज़ होते हैं न्यू जर्सी में, जैसे मॉरिस टाउन वगैरह वगैरह, तो यहाँ से टिकट मिलती है और यहीं अंदर ही अंदर ले लो आप एनजे ट्रांजिट। बहुत मतलब दो चीज़ें बहुत बड़ी हैं यहाँ पे, एनजे ट्रांजिट और लॉन्ग आइलैंड रेल रोड। अभी चलते हैं वो जिम, यहाँ पे 4 मिनट का वॉक है, जिम भी बढ़िया पास में, वहाँ जाके इनका रेट समझते हैं। इक्विनॉक्स थोड़ा महंगा ही पड़ता है, देखते हैं 2-4 महीने अगर अच्छा लगेगा कर लेंगे, फिर सस्ता जिम ज्वाइन कर लेंगे। अब रह रहे हैं तो घर थोड़े मज़े वजे लेके जाएं, घर तो वापस जाना है अपने को, तो जाने से पहले सब कुछ एक्सपीरियंस करके ही जाएं यार, ताकि गिले शिकवे नहीं हो फिर आगे जाके कि यार इक्विनॉक्स नहीं जा पाए, न्यूयॉर्क नहीं रह पाए, अकेले नहीं रह पाए। अभी थोड़ा सा तो मुझे अजीब सा लग रहा है वैसे, सही बोलूँ तो अकेले रहने में थोड़ा सा मतलब डर भी लगता है और थोड़ा अकेलापन भी लगता है, बट मुझे लगता है ये सिर्फ इनिशियली होता है ऐसा, थोड़े टाइम बाद आपको अकेले रहने की इतनी अच्छा लगने लग जाता है कि आपको मन ही नहीं होता किसी के साथ रहने का। गाइस मेंबरशिप ले ली है जिम की, तो अभी चलते हैं। तो अभी मैं मेरे रूममेट के साथ निवेश के साथ आया हूँ, हम लोग एक मेरे घर के पास में एक रेस्टोरेंट है बाजी, तो वहीं खाना खाने आए हैं। निवेश आया, मेरे को अकेला बहुत बीटी हो रही थी, तो मैंने निवेश को बोला क्या कर रहा है, तो निवेश आ गया मिलने। अब अपन भी इसके घर जाएंगे अगले हफ्ते, ऐसे हम लोग है ना, ये यहाँ रहता है मैं यहाँ रहता हूँ, तो बीच में सेंट्रल पार्क पड़ता है, तो 30 मिनट का पैदल रास्ता है, तो यहाँ तो मैं एक तरफ पैदल एक तरफ ऊबर करके आ जाऊँगा, ऐसा कुछ करेंगे। चलो खाना खा लिया था और उसके बाद अभी निवेश भाई बोले थोड़ा यार सैर कर लेते हैं, खाने के इमीजिएट बाद अब घर जाएंगे, तो बात उनकी भी सही है, खाने के बाद इमीजिएट घर जाते हैं तो फिर वही होता है एसिडिटी वैसिडिटी होती, तो इसलिए यहाँ आ गए एकदम कोने पे। ये देखो ये गार्डन है इनका, सेंट्रल पार्क वाला एरिया नहीं है, ये दूसरा वाला एरिया है, ये सामने है जर्सी,
जर्सी भी नहीं आई है, न्यू जर्सी मतलब न्यू जर्सी है लेकिन सामने यूनियन सिटी वी हॉकन वाला एरिया आई है, जर्सी सिटी वाला एरिया नहीं है। जो दरिया दिख रही है आपको यहाँ से, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग तो क्या, गुड आफ्टरनून हो रहा है, टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं। सुबह उठा था, एप्लीकेशन देख रहा था वीज़ा की कैसे क्या करनी है, थोड़ी दिक्कत आ रही है उसमें, समझ रहे हैं कैसे होगा क्या प्लान होगा। अभी निकल चुका हूँ जिम के लिए, योगा क्लास बुक करिए वहीं चलते हैं, बारिश हो रही थी अभी बहुत देर से तो, और अमेज़ॉन का बहुत सारा सामान आ गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले योगा कर लूँ, कुछ खा लूँ वहाँ पे, शेक वेक पी लूँ, कुछ खाया नहीं है सुबह से, फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ जाएँ क्या करें, चलेंगे समझेंगे क्या करना है। गाइस तो जिम हो गया है, योगा किया मैंने आज 1 घंटा, मुझे पता नहीं था इतना ख़तरनाक होता है योगा, बॉडी फट गई मेरी, मैं इतनी बॉडी बिल्डिंग करता था किसी ज़माने में, अभी भी अच्छा वेट उठा पाता हूँ लेकिन योगा करने में पता चल गया कि भाई दिमाग का ज़्यादा खेल है और योगा बहुत डिफ़िकल्ट है, बट बहुत मज़ा आया। अब तो सोच रहा हूँ हफ्ते में 2-3 बार तो करूँगा ही सही, क्लासेस रहती हैं बॉक्सिंग वगैरह की भी रहती हैं वो सब करेंगे। तो अभी तो एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से कुछ एक, मतलब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूँ। सबसे पहले मेरे को थोड़े कपड़े धोने हैं क्योंकि बेडशीट्स वगैरह की भी ज़रूरत है, तो कपड़े धोने के लिए मैं बंदे को सोच रहा हूँ बुला लूँ, लेकिन वो बोला है कि अगर आज धोगे तो मंडे को मिलेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ खुद ही जाके धो लूँ और तब तक बाल कटवाऊँ कि नहीं कटवाऊँ। तो ऐसा प्लान है कि बाल कटवाने का ऐसा सीन है कि अभी अगले महीने मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ, वहाँ पे गेस्ट लेक्चर है मेरा, बच्चों को जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको ज्ञान देने के लिए, तो उस टाइम फ्रेम में बाल कटवा लूँगा, और बाल कटवाने का तो अभी बाद में रखते हैं। फिर देखो कितने सारे लोग बाहर आ गए, जैसे ही समर होता है ना, धूप आती है तो लोग बाहर निकल आते हैं घर से, बहुत सारे काम करने हैं आज तो, देखते हैं आज सेंटर पार्क जाएंगे कि नहीं। इस हफ्ता भी वही मूविंग के उसमें ही फंसा रहेगा पूरा हफ्ता, तो मैं शायद सोच रहा हूँ जर्सी जाऊँगा, जर्सी में मेरे को मेरा चेक उठाना है, तो देखते हैं बात करते हैं। गाइस तो मैं घर पे ही था बहुत देर तक, जिम के बाद पूरा घर पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने आज, मैं आपको दिखाता हूँ घर चल के। अभी बस यहाँ से थोड़ा सा आइटम लेने आया हूँ, थोड़ा बहुत सामान लेके चलते हैं फिर अपन।